मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स अ न्यू व्लॉग, न्यू डे, सो लेट्स एक्सप्लोर द डे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उठ गई, पानी वगैरह पिया, गरम एक्सरसाइज की एंड आफ्टर दैट मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रही हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट बाकी है, ये होने के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगी और फिर चलते हैं हम लोग लैब में। तो रेडी होने के बाद घर पे रस बना हुआ था कल का, तो मैंने बस वही खाया, क्योंकि चाय या कॉफ़ी तो मैं पीती नहीं हूँ, कॉफ़ी कभी कभार पी लेती हूँ एक हद पर। हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप होती है तो किसी भी टाइम पे बाहर निकलो, सन कोट, ग्लव्स, देन गॉगल मस्ट है, वो पहनना ही होता है, एंड सनस्क्रीन वगैरह तो ये चाहिए ही इधर। उसके अलावा आप लोग बाहर नहीं निकल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टैन हो जाते हो या फिर बहुत धूप लगती है। रेडी होने के बाद मैंने मेरा टिफ़िन पैक किया, टिफ़िन की बैग ली, कीज़ ली मेरी स्कूटी की, एंड फिर मैं चली गई लैब में। सो लेट्स गो विथ मी। अभी तो जैसे ही मैं आती हूँ तो बस एक दो लोग ही हो रहे हैं लैब में, बहुत ही कम लोग होते हैं लैब में, बिकॉज जब से यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है ना तो कोई आ ही नहीं रहा है, बहुत ही खाली हो गए लैब। लैब में एडमिशन्स है लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। इसके बाद फिर अभी मैंने मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट किया। पहले तो रोज़ का काम जो भी होता है कि पूरा ये क्लीन करो, पूरा सामान निकालो, बुक्स निकालो, अभी आज मैं आईपैड से पढ़ रही हूँ तो वो निकालो, देन ये सारी चीज़ें करो, टाइमर लगाओ पानी की बॉटल में, अगर पानी नहीं हो तो वो भर के लाओ। ये सब कुछ होने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट सेशन ज्योग्राफी का। वैसे मैंने सोचा है कि मैं आज ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लूँ 11th की, होपफुली वो हो भी जाएंगी, अभी बस मेरे एक दो ही चैप्टर्स बाकी है। देन ये होने के बाद फिर मुझे वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ये दोनों चीज़ें करनी है, और इसके बाद फिर हम लोग फिर से इको या फिर कोई चैप्टर लेंगे, कोई सब्जेक्ट लेंगे, सॉरी नॉट चैप्टर। तो फर्स्ट सेशन होने के बाद मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि चाय पीने के लिए चलो साथ में, कोई नहीं है, फ्रेंड्स नहीं, एक ही फ्रेंड बोल रही थी, तो इसीलिए फिर मैं उसके साथ चली गई। तो हम लोग थोड़ा दूर ही गए थे चाय पीने के लिए, तो हम लोगों ने गाड़ी ली, हमारी गाड़ी निकाली, उसने चाय पिया, मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। एंड चाय पीने के बाद यहाँ पे ना, जहाँ पे ये चाय का सेंटर था वहीं पे एक लैब ओपन हुई थी न्यूफ, तो हम लोग वो देख के आए। हमें तो हमारी लैब पसंद है लेकिन सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि कैसी लैब है। बहुत सुंदर बनाई थी लैब, बहुत ही अच्छी है, कंपार्टमेंट्स लेंथ एंड विड्थ दोनों के हिसाब से बहुत अच्छे थे, मतलब पूरा जो बॉक्स था उसमें बहुत सारा सामान बैठ सकता है आप लोगों का। दोनों साइड से उन्होंने ग्लास लगाए थे एंड किसी को सिंगल बैठना हो तो वो भी बैठ सकता था यहाँ पे। देन लैब देखने के बाद हम लोग फिर से आ गए लैब पे, जो मेरा ज्योग्राफी का सेशन था वही मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन बहुत ठंडी थी इसलिए फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जैकेट पहन लिया एंड देन मेरा ये वाला सेशन कंटिन्यू किया। आज मुझे एक एडिटोरियल भी पढ़ना था बिकॉज बहुत अच्छा एडिटोरियल आया हुआ है आज। तो ये होने के बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। ये सारे हम लोगों के टिफ़िन है, ये वाली बैग मेरी है, मेरा निकालने का है टिफ़िन, दिस पैकेट इज़ माइन, ये एक फ्रेंड का है, ये एक फ्रेंड का है, और एक जो हमारे सर है लैब के वो आने वाले हैं, जो ओनर हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि आज साथ में खाना खाते हैं। मैं बहुत ये करती हूँ कि नहीं खाना है जंक फूड, बट ये तो बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से नहीं खाया है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि जंक फूड नहीं खाना है, बट कोई ना कोई खाता ही है तो वो खाना हो ही जाता है। अभी आज अगर मैं नहीं भी लाती थी, मेरे पास तो था ये कुरकुरा का पैकेट, तो वो तो मैंने ऐसे ही लाया था कि अगर कोई भी खाएगा यहाँ पे, लेकिन जो मेरी फ्रेंड है उसने लाया ही है कुछ ना कुछ। जब भी हम लोग ऐसे साथ में खाना खाते हैं तो कुछ ना कुछ तो जंक होता ही है उसमें, और मैं इतना ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड
एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसा होता भी नहीं है कि कुछ वर्कआउट ज़्यादा करो या कुछ, बस मैं वार्म अप करती हूँ, उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं होता है, वर्कआउट नहीं करना होता, कुछ नहीं होता। अभी भी लोग गए हैं नीचे दही लाने के लिए, और वो भी जो दही ला रहे हैं वो भी मलाई वाला ला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। अभी मैंने प्रॉमिस किया है खुद से कि मुझे जंक खाना ही नहीं है, बहुत कम खाना है। यस, चलिए अभी खाना खाते हैं। यहाँ पे ना शॉप है इस वाली बिल्डिंग में, ये वाली जो बिल्डिंग है वहीं पे गए हैं वो लोग कुछ लाने के लिए। खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गई लैब में, और मैंने बोला था आप लोगों को कि आज का एडिटोरियल बहुत अच्छा है तो ये मुझे पढ़ना है, तो मैं एडिटोरियल का पेज अपने साथ में लेके आई थी ऊपर से। इसमें पूरा दिया है हुआ है था, मतलब एक एडिटोरियल ऐसा था कि उसमें अलग अलग केसेस डिस्कस की हुई थी कि अगर आप लोग वीमेंस एंड मेंस इक्वलिटी की बात अगर करते हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ अगर इक्वल है तो यू शुड ट्रीट देम इक्वली, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। एक एयर इंडिया की या फिर जो भी हमारे एयरपोर्ट वाले जो भी जॉब्स होते हैं उनमें स्पेसिफिकली जो जॉब होता है एयर होस्टेस का, तो उसमें ऐसा होता है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज जो है वो बहुत ही कम था। पहले तो आई थिंक 35 से भी कम था, 35 अभी है शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट मैं आप लोगों को बात बताती हूँ कि आफ्टर जॉइनिंग एयर होस्टेस वो 4 साल, अगर लड़की है तो 4 साल तक शादी नहीं कर सकती है, एंड अगर मैरिड है, मैरिड वो लेते ही नहीं है, लेकिन इनकेस मैरिड है तो फर्स्ट 4 ईयर तक वो बच्चा नहीं कर सकती है। सो She कैन नॉट गिव बर्थ टू बेबी। तो बस इन्हीं बात पे ऐसा था कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, तो यहाँ पे कहाँ पे इक्वालिटी है, और वही रूल बॉयज़ को नहीं लागू होता है। तो बहुत सुंदर आर्टिकल था, वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो वाला आर्टिकल पढ़ा मैंने। उसमें बहुत सारे जो केस स्टडीज थे वो दिए हुए थे, तो वो सारे पढ़े, एंड फिर मैं आ गई अपना नेक्स्ट सेशन करने के लिए। तो ये था ज्योग्राफी का ही, आज मैंने कहा है मुझे सिर्फ ज्योग्राफी करना है। करंट मैंने ये सिर्फ एडिटोरियल पढ़ा और सुबह किया था करंट, जो मैंने शूट नहीं किया है। जस्ट मैं ऐसे उठने के बाद जो मेरा टाइम पास का टाइम था उसमें मैंने करंट किया था, वीडियोस देखे थे एक्चुअली। तो अभी ये वाले सेशन में मैंने क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, पीवाईक्यू का एनालिसिस किया, पीवाईक्यू सॉल्व किए और कुछ टेस्ट भी सॉल्व किए चैप्टर वाइज। तो 1-2 घंटे में मेरा ये वाला सेशन हो गया। ये सेशन होने के बाद फिर 1-2 घंटे में नहीं, मतलब टाइम लगा ज़्यादा, तो ये सेशन होने के बाद 6:30 के वगैरह आसपास 6:30-7 के आसपास हम लोग आए थे गार्डन में, एक राउंड मारा, और उसके बाद बहुत लोगों को भूख लगी थी तो हम लोग सब खाने के लिए चले गए। कच्चा चूड़ा हमारे यहाँ पे मिलता है, बहुत टेस्टी बनाते हैं ये अंकल, तो ये कच्चा चूड़ा खाया। बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत कुछ खाया हम लोगों ने, छोटा छोटा ये मसाला काजू वगैरह अलग अलग कुछ कुछ। और फिर मैं चली गई लैब में, नेक्स्ट सेशन किया, उसके बाद मैं चली गई घर पे। So here I'm ending this vlog. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Please like, share and subscribe.